हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का करंट अफेयर्स। पिछले 8 महीने में आयोजित परीक्षा में आए हुए पर्सन और जो आ सकते हैं सारे पर्सन है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन कि कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है, वो कितने नंबर के राज्यपाल है? तो वो है 41वें राज्यपाल, कितने, 41। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो वो कितनी है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। तो ये क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के हेमांग जायसवाल खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो बारातोलन से। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर है, माना कि ऑप्शन के अनुसार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे। आप ये वीडियो पूरा देखना, पिछले 8 महीने का आपको करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह श्रमिक परिवार की लड़कियाँ व महिलाएँ हैं। यह क्वेश्चन है कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना है उसका लाभान्वित समूह है वो क्या है, श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। नेक्स्ट है कि कुंभलगढ़ जिले को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। किसको, कुंभलगढ़ किले को। अगला है कि 16 नवम्बर 2022 को मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की आधारशिला दहमिकला या बगरू में रखी, कहाँ पर रखी, दहमिकला जो कहाँ है, बगरू में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के JALN मेडिकल कॉलेज अजमेर में पीडियाट्रिक एंड नियोनोट्रोलॉजी संस्था की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर, JALN मेडिकल कॉलेज अजमेर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया, 9 सितंबर 2022 को। क्वेश्चन आया था कि कब किया गया। अगला है कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने जैसलमेर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पवन प्लांट स्थापित किया है, तो वो किसने किया, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने, कहाँ पर, जैसलमेर में, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड। नेक्स्ट है कि हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के लोक संगीत कलाकार गाजी खान बरना का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, और वो कहाँ के है, जैसलमेर निवासी है, खड़ताल वादक है जिनको मिला ये। नेक्स्ट है कि जगदीश धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है। क्वेश्चन आया था कि जगदीश धनखड़ है उनका संबंध किससे है या कहाँ से है, तो वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से जो उपराष्ट्रपति बने हैं और राजस्थान के दूसरे व्यक्ति है। जगदीश धनखड़ लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं इससे पहले। तो वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। नेक्स्ट है कि जोधपुर रेलवे स्टेशन को हाल ही यानी 2021 में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है, तो किसके हो, जोधपुर रेलवे स्टेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अभी बहुत सारी PDF है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डेली एक एक क्लास डालेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।